क्या रहा इतने सालों से केस जो लटका था, आपने किस तरह से कोशिश की इसमें जस्टिस? देखिए जी, ये बात तो हुकूमतों को जवाब देना चाहिए। मैंने जो कोशिश करनी थी मैं आकाश से गिरी, फुटपाथ पे आके पड़ गई, दूर बच्चे मेरे छोटे छोटे रेस कर रहे थे, और उसके अलावा सारा ही कुछ जीरो से स्टार्ट करना था। हम वेलिंगटन से आए थे, मुझे दोबारा डिलीवरी टेक होना था, सब कुछ करना था। तो बाकी तो मैंने गुहार तो लगाई, लेकिन जब देखा कि ये जो हुकूमतें हैं ये पॉलिटिक्स प्ले करती हैं, इनको जब चाहना है तब करना है, ठीक है ना। तो वो आज जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ, ये तो ये भी कुदरत की तरफ से है ना। उम्र उसके भी सांस वास खत्म हो सकते थे, मेरे भी खत्म हो सकते थे, मुझे 5 महीने पहले ब्रेन स्ट्रोक आया है तो नहीं खत्म हुई ना। तो देयर इज सम रीजन, इन शायद ऊपर वाले को ये बात खुद भी उसकी चाहना है कि हर गलती का सुधार होना चाहिए, इंसाफ तो होना चाहिए। तो किस तरह दिखेंगे कि इतने सालों तक जुलिया सिंह उनको प्रोटेक्शन भी मिलता रहा और सब कुछ मिलता रहा, लेकिन ये केस आगे बढ़ा नहीं? हाँ जी, उनको प्रोटेक्शन मिलता रहा क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके साथ नेगोशिएशंस करनी थी, ठीक है ना। कोई ब्लैक बैक डोर, कोई बैक बिहाइंड द कर्टन, कोई अंडर द कार्पेट, हुकूमत ऐसी चलती फिर तो मैं कहती हूँ वो लीडरशिप ख़त्म हो गई है। तो फिर उम्मीद जगी है कि शायद कि कोई धरती पे ऐसे साफ सुथरे लोग इकट्ठे हुए हैं कि जो इसको फिर संसार को जन्नत बनाना चाहते हैं। उम्मीद तो मुझे भी जगी है कि जो रॉन्ग है गलतियाँ जो हैं उनके सुधार होने चाहिए, अपने जो जनरेशन्स हैं उनको मैसेज देना चाहिए कि आउटला होने से कभी भी कामयाबी, कानून के अंदर रह के सब काम करने से एक अच्छे शहरी, अच्छे नागरिक, एक अच्छे वतन के लोग हम कहलाते हैं, और वतन भी जो है उसकी भी शान अच्छे नागरिकों से रहती है। ये बात हमें समझनी चाहिए सब। उन्हें ये 30 साल होगा, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए बेटे, 30 ईयर्स में मैंने जो स्ट्रगल की है उसका अंदाज कोई नहीं लगा सकता। एक बच्चा 6.5 साल का, 8.5 साल का, उसका अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है। उससे तो मैं गिनती करके आपको बता दूंगी कि 30 साल हो गए, आप भी कहोगे हाँ जी 30 साल इस बेचारे ने बड़ी यातना, एक क्वार्टर पे मैंने भोगा होता तब भी था, एक क्वार्टर पे नहीं भोगा है। मेरे लिए तो आज भी सीज फायर नहीं हुआ है, मैं कहूँ कि जंगी सिपाही हूँ मैं, और मैदान जंग में चारों तरफ तोपें गड़ी हुई हैं और अकेला जंगी सिपाही लग रहा। मैं अपने आप को उस तस्वीर में देखती हूँ, मैं एक जंगली सिपाही हूँ और मेरा सीज फायर भी नहीं हुआ है। मेरी सब बड़ी ज्यादतियाँ हुई हैं, ये एक ज्यादती जो बार बार हाईलाइट की जा रही है आज, वो भी 30 साल के बाद, जबकि उसी टाइम ये होना चाहिए। तो ये तो जब दूसरे आप अरब कंट्रीज में देखिए और देखिए, आप तो इस्लामिक कंट्रीज में देखिए या और मुल्कों में देखिए, जब कोई गलती करता है बहुत फास्ट ट्रायल्स होते हैं, काम ख़त्म होता है और एक सटीक साफ सुथरे कानून बनाए जाते हैं ताकि दूसरों को उससे प्रेरणा मिले कि हम भी ये काम नहीं करना। कानून किस लिए बनाए जाते हैं? सीधे सीधे शरीफ लोगों के लिए तो कानून बनते नहीं, कानून उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं जिनको कानून तोड़ने का जुनून होता है। तो उनको फिर सिखाया जाता है कितनी बार तोड़ोगे, एक दिन तो हम ही तोड़ देंगे आपको, कानून बना तोड़ने के लिए। इंसान की जो ये ईगो है यही तोड़नी है ना, जो गलत फहमी आउटला जो हो जाते हैं लोग उनको सीधा करने के लिए कानून। तो ये तो उसी टाइम होना चाहिए था। चलो आज भी अगर हुआ है तो मुझे नहीं लगा चिराग तो रोशनी की किरण सामने आई, ये हो सकता है कोई अच्छा फैसला हो कि अगर एक इंसान की नौजवान 38 ईयर्स का, जिसकी घर से वो चाय का कप पी के जा रहा अपनी ड्यूटी पे निहत था और उसको तुमने कत्ल कर दिया, उसकी उम्र खत्म, क्या पता उसकी उम्र कितनी थी। अगर मैं आज तक जिंदा हूँ, वी आर ऑफ सेम एज ग्रुप, तो मुझे लगता है मेरे बूढ़ा भी मेरे पास में होता, तो मैं तो उस उम्र में ठहर गई हूँ। 25 जनवरी 1990 से ज़्यादा बड़ी नहीं हुई मैं, मेरा शरीर बड़ा हुआ, मेरी उम्र बड़ी हुई, लेकिन मैं बड़ी हुई, मैं ठहर गई।
वो रावलपुरा वो सड़क वो मुझे भूलती नहीं, वो मुकाम मेरी आंखों के सामने से जा। आप सोचो 30 साल किसी चीज़ को मुझे देखते हुए, आप अंदाज लगा सकते हैं इस बात का कि मैंने रात दिन कैसे गुजारे हुए, जिस पेड़ की छाया में कभी मैंने भी हंसी वादी की थी आज उसकी हर शाख को मैंने बना रखा है। मेरा अपने आप के साथ वादा है, ऐसा क्या तू कर पाया जो मेरे हिस्से ना आया, तू हिमालय से भी ऊंचा आज कहलाया, कैसी विडम्बना है, तो मेरे हिस्से भी तो कुछ है, मैंने उसकी रोटी खा रही हूँ अभी भी खाई है, तो मेरे हिस्से भी है कि मुझे सच्चाई सफाई से उसको इंसाफ दिलाना है। बस मेरा